अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आदमी कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। उसकी सिक्योरिटी पे खर्चा कर रहे हो तो उसको मार क्यों नहीं देते हो? टारगेट किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे लिए नियम बाकी और किसी के लिए नहीं। अभी बैठ जाना फिर से एक बार और सरकार से लेंगे तो संपूर्ण राजपूत समाज पूरे देश में खुद आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन एवं शासन की रहेगी। कब तक आएंगे अवकाश में? कब तक आएंगे? हाँ, तीन चार दिन नहीं बैठे। चलो बाईपास। वीडियो तो बना दो, थोड़ा सा चौड़ाई कर लो ना, ये ऐसा कर लो, थोड़ा खेल जाओ। हाँ तो उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के एवं राजपूत समाज के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़े की कल दिनांक 5/12/2023 क्या पूरा विषय है और आपने अभी जो ज्ञापन दिया किसके नाम से दिया और क्या आपने मांग की? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़े जो पूरे समाज के गौरव थे, यहाँ तक कि 36 कौम के लिए वो काम करते थे, गरीबों की आवाज़ उठाते थे, उनके साथ कल कुछ अपराधियों ने घर में घुसकर उनको पे गोलियाँ चलाई जिसमें उनकी हत्या हो गई। हम राजस्थान शासन से पहले तो ये पूछना चाहते हैं कि जब 5 साल से उनको धमकियाँ मिल रही है और वो हमेशा सुरक्षा मांगते थे फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई, तो इसके जवाबदार कौन है?
और किसके षड्यंत्र है कि इसमें ये भी मिले हुए हैं, राजस्थान सरकार मिली है, राजस्थान के जो बड़े बड़े लोग हैं इसमें कौन कौन इसके पीछे है, और जो पीछे है उनका नाम सामने लाए और उनको खुलेआम गोली मारी जाए। वरना इसका माहौल 24 घंटे में अगर इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी और इसका क्लियर जवाब नहीं दिया कि इसमें षड्यंत्र में कौन कौन है और कौन कौन इसके पीछे लिप्त है और उनको सजा नहीं दी गई, तो पूरा राजपूत समाज और सर्व समाज 24 घंटे बाद आंदोलन करेगा, सारे चक्का जाम होंगे हाईवे। भैया आपने जो देवास में किस प्रकार का आज प्रदर्शन किया है, देवास क्या मांग है आपकी? सर्व समाज आज एकत्रित हुई दादा के सम्मान में, कल जो घटना हुई उसके दुखद आज हम सब लोगों ने, सभी भाइयों ने ये निर्णय लिया है कि 24 घंटे में अगर शासन, राजस्थान शासन इन लोगों का पर्दाफाश नहीं करती है कि षड्यंत्र में कौन कौन सम्मिलित है, तो हम इन सभी लोगों का विरोध करेंगे और 24 घंटे बाद पूरी करनी सेना और सर्व समाज चक्का जाम करेगी। आपका नाम और पद बता दो। ठाकुर सुरेंद्र सिंह गोड़, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत कंडी सेना। ठीक ठीक है सुरेंद्र भाई। सुखदेव सिंह जी की हत्या के संबंध में आज देवास में करनी सेना के द्वारा जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है और उनके द्वारा जो घटना जिन आरोपियों द्वारा की गई उस पर कठोर कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन दिया है। क्या क्या मांग है सर उनकी, क्या कहना था? ज्ञापन भी दिया उन्होंने श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम, ज्ञापन दिया है वो राजस्थान सरकार को संबोधित है और आरोपियों पर कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन दिया है। सर सुनकर जब भी जो है इन लोगों ने रोड जाम किया, फिर आज यहाँ पर भी किया, कल शाम को खटाम भी किया, तो किस प्रकार की समझाई सर आपके द्वारा दी जा रही है इस संबंध में? कार्रवाई की जा रही सेना वाले आए तो क्या आपको ज्ञापन दिया बताया? राजस्थान में घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में राजपूत कर्मी सेना के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा इस घटना के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी अपराधी हैं उनके बहुत ही शीघ्र कार्यवाही हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी उनका आक्रोश है या ज्ञापन है उसको हम उचित स्तर पर भेज सकते। सर कितने कर्मी सैनिक थे लगभग? ये लगभग 150-200 लोग हैं यहाँ पे ज्ञापन देने। महिलाएं भी शामिल है सर? कुछ महिलाएं।